हरे कृष्णा। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, ग्लोसी पोटिगो सर्व संपूर्ण चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का बहुत बहुत स्पेशल वीडियो है क्योंकि ये शूट हो रहा है वाराणसी यानी काशी से। तो ये मेरे मम्मी पापा का घर है, तो मैंने सोचा कि चलिए न्यू हाउस कंस्ट्रक्ट हुआ है तो धीरे धीरे करके हाउस टूर भी दिखा देती हूँ। तो इस वीडियो में हम दिखाने जा रहे हैं हमारा प्यारा सा छोटा सा ड्रीम किचन, हमारी रसोई जो कि बन करके तैयार हो गई है। बहुत ही प्यारी अच्छे से प्लानिंग के साथ ये चीज़ें की गई है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर डिले ये वीडियो। आप देख सकते हैं कि सारे मॉड्यूलर चीज़ें ही लगी हैं। ये ड्रॉर्स है अभी बहुत अच्छे से अरेंज नहीं है, अभी शिफ्टिंग हुई है। शिफ्टिंग के बाद का ये वीडियो मैं बना रही हूँ, थोड़ी सी क्लीनिंग भी बाकी है अभी। तो जैसे तैसे हमने अभी अरेंज कर दिया है, वी विल सी कि धीरे धीरे कैसे इस किचन को बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज किया जाए। तो नीचे का कलर कॉम्बिनेशन भी आप देख सकते हैं और सारे अटैचमेंट्स भी जो भी लगे हैं वो देख सकते हैं कि कलर कॉम्बिनेशन कितना ही सटल है, सोबर है। तो ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही ब्राइट हमने नहीं रखा है, वो रेड ग्रीन ब्लू वो सब वैसा नहीं चाहिए था, बहुत ही सिंपल चाहिए था, इसलिए ये कलर कॉम्बिनेशन रखा गया है। तो ये प्लानिंग मेरी बिल्कुल भी नहीं है, आप लोगों को लग रहा होगा ये प्लानिंग मेरी है, तो ये प्लानिंग मेरे मम्मी पापा की है। उनका ही चॉइस है, उनका कलर कॉम्बिनेशन है, सब कुछ उनका ही डिज़ाइन किया हुआ किचन है, इसमें मेरा दिमाग ज़रा भी नहीं लगा हुआ है। फिर भी आप देख सकते हैं कि ये किचन कितना प्यारा बन करके तैयार हुआ है। इसमें बहुत अच्छे से स्पेस की प्लानिंग की हुई है, कोई भी इंटीरियर डिज़ाइनर हायर नहीं हुआ था, कारपेंटर ने पूरा सजेशन के बेसिस पे अच्छे से काम किया है। सामने की भी टाइल्स आप देख सकते हैं, ये भी वाइट ही है और थोड़ा सा डिज़ाइन इसमें कम है, इसलिए ये किचन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है अपने आप में। ये है हमारा हॉब, 4 बर्नर हॉब है जो ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है विदाउट लाइटर। मैं ऑन करके आपको दिखा दूंगी इसी वीडियो में, और मैं बैकग्राउंड से वॉइस ओवर दे रही हूँ इस वीडियो में बिकॉज यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का कुछ कुछ काम बाकी है, जैसे सीढ़ियों में रेलिंग्स लगनी है वो सब, तो काम चल रहा है तो आवाज़ भी बीच बीच में आती रहेगी, तो उसके लिए प्लीज़ फॉरगिव मी। ये कॉर्नर है जिसमें हमने कप्स, थोड़ा से ट्रे, ये चॉपिंग बोर्ड ऐसे डेकोरेट करके रख दिए हैं जो ईजिली एक्सेसिबल हो। अब चलते हैं सिंक की तरफ। तो ये सिंक जो है साउंडलेस है, और ये जो 3 टैप्स आप देख रहे हैं, गीज़र का है, एक बोरिंग का है और एक डायरेक्ट वाटर सप्लाई का है। और ये जो सिंक है, मैंने पहले ही बोला कि ये साउंडलेस है तो इसमें से कुछ आवाज़ नहीं आती है, कितना भी बर्तन आप अच्छे से धोएंगे तो भी आवाज़ बाहर नहीं जाएगी। बहुत लोग यही मिस्टेक करते हैं कि किचन बहुत अच्छा बना लेते हैं बट सिंक बहुत ही सिंपल वाला लगा लेते हैं, तो ऐसा मिस्टेक आप ना करें, अच्छे से साउंड प्रूफ वाला ही सिंक लगाएं। और नॉब वगैरह, एक्वा गार्ड ये सब देख लिया है आपने, सब कुछ लग गया है। ये है क्रॉकरी यूनिट जिसमें डिनर सेट वगैरह रखा हुआ है, नीचे मिक्सर के जार्स रखे हैं अभी के लिए क्योंकि हमें उतना समय नहीं मिल पाया है डेकोरेशन करने का, तो धीरे धीरे वो डेकोरेशंस होंगे। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि सारे हाइड्रोलिक ओपनिंग है तो अपने आप ओपन होके वो स्टैंड हो जाता है, उसके लिए हमें सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो भी ओपन करके मैं शो कर दूंगी। यहाँ पे सारे शेल्फ में 3 शेल्फ बने हैं, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने हैं ताकि छोटी कटोरियाँ ग्लासेस अच्छे से आ जाएं, और घर में जो तांबे के ग्लास हैं, पीतल के ग्लास हैं, उनके वजह से लुक बहुत ही ऑथेंटिक और ट्रेडिशनल भी आता है। चिमनी भी आपने देख लिया है, जेस्चर कंट्रोल है, हाथ के जेस्चर से ये दूर से ही ऑन हो जाएगा, दूर से ही ऑफ हो जाएगा। लाइट भी है इस चिमनी में, तो ये चिमनी की वजह से क्या होता है, ओपन किचन जो भी रहते हैं उसके वजह से लिविंग रूम, डाइनिंग रूम थोड़ा गंदा हो जाता है, ग्रीसी हो जाता है, तो चिमनी लगाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और विंडो है तो उससे अच्छी बात कोई है ही नहीं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पीतल के भी कटोरियाँ, ग्लासेस अच्छे से रख दिए गए हैं, तो जो भी डिनर सेट रखा है उससे सुंदर तो पीतल और तांबे की ही चीज़ें लगती है, पूजा पाठ में भी काम आ जाती है और ऐसे नॉर्मल यूज़ के लिए भी बहुत ही हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद होती है। तो ये है हमारा पूरा यू शेप किचन है और वास्तु के अकॉर्डिंग है, ईस्ट फेसिंग हॉब है जहाँ खाना बनाते समय हमारा जो फेस होता है वो ईस्ट की तरफ होता है, ईस्ट के सामने होता है, तो ईस्ट फेसिंग हॉब है। और
पानी और आग एक लाइन में नहीं होना चाहिए, इसलिए जो सिंक है वो साइड के तरफ प्लेटफॉर्म पे है, उस लाइन में नहीं है। तो काफ़ी चीज़ों का ध्यान दिया हुआ है वास्तु के हिसाब से, क्योंकि जो फ्लैट्स होते हैं उसमें ऑप्शंस ज़्यादा नहीं मिलते हैं, लेकिन अपने खुद के इंडिपेंडेंट हाउस में हम वास्तु के हिसाब से हर चीज़ करें तो हमारे लिए भी अच्छा है। तो यही है हमारा छोटा सा, छोटी सी प्यारी सी रसोई जिसमें अच्छे अच्छे व्यंजन पकते हैं। आई होप आपको भी अच्छा लगा हो। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ क्योंकि पीछे से साउंड आ रहा है, तो वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। थैंक यू।